गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक तरीके का छोटा सा व्लॉग होने वाला है। इसमें आपको पता लगेगा कि जैसे ट्रेनर यहाँ पे डॉग ट्रेनिंग के लिए कोई क्लाइंट आता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, या कुछ टिप्स जो मांगेंगे वो हम अभी इसमें बताने वाले हैं। तो अननोन क्लाइंट क्लाइंट है, लैब्राडोर है इनके पास है। तो फर्स्ट टाइम ये हमसे मीटिंग के लिए आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, तो देखते रहिएगा। और इसमें आगे आगे जो जो अपडेट है, जैसे इसकी ट्रेनिंग या प्रॉब्लम क्या है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हो सकेगा तो ट्रेनिंग यहीं पे स्टार्ट करेंगे। वो अगर क्लास हमसे पर्सनली वीकली क्लास लेंगे तो वो यहाँ के हर बार क्लास लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, या फिर उनकी ट्रेनिंग होम ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो हम वैसे आपको अपडेट करेंगे। तो जैसा भी है आप देखिएगा, आपके काम में बहुत आने वाली, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम वो हमसे डिस्कस करेंगे जो उनको आ रही है, तो हम उसके सॉल्यूशन देंगे। और उनसे जो डिस्कशन करेंगे वो आपके काम का भी होने वाला है, तो उसको पूरा देखिएगा। प्रॉब्लम्स क्या-क्या है इसकी? एक तो सबसे पहले यही है, मेन ये है, उसके बाद भी सारी चीजें लिखा हुआ है। ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया। मैं क्या बता, बेड पे बिठा रहे हैं तो शांति से बैठे, हमारी कमियां है वो सुनिएगा। हम लोग पता है ट्रेन करते हैं ना, तो क्या करते हैं जब लेके जाते नहीं मानना तो ऑब्जेक्ट उठाते मान लेते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। और उसकी आदत ऐसे हो गई तो उसको आप इस चीज़ को हटा देना जब भी पहले दिन से। चलो बिल्कुल हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप जो हटने में ऐसा रहता है। स्टे हे, नो नो स्टे हे, इतना ऐसा ही करता है हर टाइम। आपको कुछ नहीं लगेगी, थोड़ी देर में कहिए काम हो, जितना ये चेस अगर करें तो हम अपने मन में वैसे करें तो और ज़्यादा एक्साइटेड होगा। थोड़ी देर लगेगा इसको, जितनी देर की आप बात कर रहे हो। आपके पास कितने टाइम से है? मेरे बचपन से बाहर है ना, बचपन से किसी महीने हो गए, ये 9-8 महीने हो गए। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे 8-9 महीने में आप इतना नहीं सोच पाए, क्योंकि हम लोग ना प्रॉपर यहीं पर काम करते हैं। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी शायद, सबसे इसको देख रहे हैं तो वो अलग इम्पैक्ट है। कोई नहीं कोई नहीं, आप कुछ नहीं करना, बस कर ले दो। अपना टेंशन मत देना इसको, जो कर रहा है हमारा ध्यान खींचने के लिए, हम अपने काम में लगे रहेंगे। बाबा ये काट देगा इसको, नहीं काटेगा, नहीं काट देंगे, कोई बात नहीं। नो, इग्नोर करना इसको, अगर इस तरफ जितना ध्यान दोगे इतना ध्यान दोगे और ज़्यादा करेगा, या अभी जितना थक जाएगा उसके बाद जब ये कंडीशन में आ जाएगा कि हमारी बातें सुने, यहाँ से ध्यान जाएगा तो हम इसको कुछ कहना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको धीरे होगी शाम करने लगा। लो हे, लो हे, रिलैक्स, लो हे, लो हे, इन्हें अगर तो इसको बांधना पड़ गया, इसको इसने मतलब घर में कुछ नहीं छोड़ा। टाइम लगेगा नहीं, फट जाएगा। चीजों को किनारे से पकड़ना चाह रहा, किनारा दूर में उसको पकड़ने के लिए। नो है, नो कुछ खाने का नहीं बैठता है। नो नो सही, समझता तू ना, समझता है चीजें। नो करने लगेगा, लेकिन देर पे है, बिना खाई भी करने लगेगा। ठीक है, नो समझाने के लिए दिया जाता है, समझते तो ट्रीट नहीं दी जाती है। नो तो शांत हो जाएगा, तो शांत बच्चों भी रखना है। अभी शांत हो गया, अब आपकी तरफ ध्यान देंगे। आपका नाम नहीं बता सकते, डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, अच्छा अच्छा किस चीज़ की आपको? एमबीबीएस नहीं होता है, उसके अलावा किसी में नहीं होता। हाँ
अगर बच्चे हो तो फिर मामला खत्म कर दे वाले बोलता हूं। चल पहले जो आगे इधर के इंस्पेक्टर थे वो बड़ा ही उदास हो गया, उनकी जगह नहीं आए उन्होंने लेबर हो गया अपना चलो। हे नो सिट No, sit, stay, okay? अब अंदर में दिख रही है ना ऐसे तीन चार बार में ना ऐसे हो जाएगा साउंड मुझे लगेगा समझ नहीं लगेगा। बस बस खाने में कुछ नहीं छोड़ता है जो अपने जाए मतलब अगर छत पर कुछ भी लटका हुआ मिला जाए किसी भी कपड़े हो कुछ भी सही सब इसकी जो आदत है ना अंडरएस्टिमेट मतलब एक तरीके से लोग हावी होने की जैसे बताना चाहता है कि बस कि मैं किसी कहना नहीं मानूंगा जो डोमिनेंट नेचर में होता है तो वो थोड़ा थोड़ा दिखाता है। वैसे है नहीं लैब्राडोर में शांत होते हैं बट क्या है बहुत जल्दी सॉरी ये शांत नहीं है मैंने इसीलिए लिया था मैंने शांत होगा बिल्कुल और शांत होते हैं लैब्राडोर में भी बट क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत जैसे नेचर होता ही है कि माहौल का भी असर होता है रूल करने वाला जानवरों का नेचर होता है तो वही तरीका है कि इसको अगर एक बार दबा ले किसी को तो फिर अपनी बात मनवाने के लिए वो ऐसा करते हैं जब तक चाहेंगे बैठा के रखेंगे से कंट्रोल आता है ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है कि कंट्रोल नहीं आ रहा है आराम कर रहा है ये टेंशन में कि इधर उधर जाऊँ बट हम जाने से पहले तो रोक रहे हैं तो वही इसकी ट्रेनिंग होती है कि जब हम कह रहे हैं तभी जाएगा तो कहीं बैठती है एक बार में जो फेस पर आ जाएगा अगर आप इसमें परफेक्शन बनाने में टाइम लगता है कंट्रोल जब एक बार में करेगा तो धीरे धीरे चीज़ें वॉइस पर आने लगेगी बीच बीच में ट्रीट का यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी ट्रीट भी देंगे तो अच्छी बात होगी तो इसको समझ में आ जाएगा या तो ऐसे करके माइंड से एक तरीके से हम डिप्रेस रहें या फिर खुश रहें ट्रीट खा के चीज़ें करते रहें अच्छे से तो इसको सबको समझ में आ जाएगी हम उनसे कहना मानेंगे तभी फ़ायदे में अदरवाइज हमें ऐसे ही मतलब इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा फ्रीडम नहीं मिलेगी तो ये सब आराम से करेंगे तो सारी चीज़ें इनका कहना मान लेने में हमारा फ़ायदा है इसको ये बताना है तो उसको समझ में आ जाएगा इनका कहना मानेंगे हम इसमें हमारा फ़ायदा है तो फिर वो सारी चीज़ें अच्छे से करने लगेगा आप ट्रेनिंग कर रहे हो कितना भी मार लो उसका इफेक्ट नहीं आएगा जब तक इनके दिमाग में नहीं बैठेगा। बड़ा हो गया काफ़ी है अभी ऐसे होगा पाँच छः महीने का होगा तो घर ले कर वैसे ही बोलो जैसे लोग देखो तुम्हारे साथ भी यही आ जाएगा अच्छा
मिलना भी चाहिए ना तो नहीं मिल रहा था व्हाट्सएप पे सुन गुड फॉर मेरा तब भी हो रहा हो भैया मैं उस समय नहीं रहा था ढूंढ रहा था मुझे भी लोकेशन दे दो कितना टाइम लगता है कुछ चीजें काटा फिर तो चल जाएगी लेकिन ये चढ़ने वाला सीन नहीं चलेगा जी सबसे आज ही डर जाता है ना सुबह से लगा सकता हूँ ठीक है डॉग आपने देख लिया इसको क्या परेशानी थी तो सुनील भाई एक बार बताएंगे कि क्या क्या था इसमें इसको जो मेन प्रॉब्लम थी आपने अभी देखा ही था कि एक्साइटमेंट मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई अननोन जब आता है घर पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उससे मिलना चाहता है और चीज़ों को एक्सप्लोर करता है उसके बारे में जानना चाहता है और जब भी कोई डॉग नए पर्सन से मिलता है तो वो उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करता है तो जिसको डॉग पसंद नहीं होते हैं या फिर जो कम मिलते हैं डॉग से तो वो डर भी जाते हैं और चीज़ें जिसको पसंद नहीं होती है तो फिर दूर रहना चाहते हैं उनसे तो इसका एक ही है कि हम लोगों को तो नहीं इतना सिखा सकते बट क्या है मेरे डॉग के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं तो ट्रेनिंग के थ्रू वो चीज़ लेके आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं तो ये आगे आगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो यही चीज़ को हम इसमें कम करेंगे प्रायोरिटी पे इनका यही था कि प्रॉब्लम अगर ये एक्साइटमेंट कम करना है बाकी तो साथ में कमांड सीख ही जाएगा डॉग जैसे कमांड में तो डिसिप्लिन जब सिखाएंगे तो उसके साथ साथ जैसे ओरल कमांड्स होती कम से डाउन से ये डिसिप्लिन में आ जाती हैं तो इनको सिखाएंगे और सीरीज को पूरा देखेंगे आप आगे आने वाली और भी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जितनी वीडियोस में हो सकेगा हम कवर करेंगे एक दो या तीन तो बने रहिए चैनल पे और चैनल को पूरा भी देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये एज ये जैसे 2 से 3 महीने की एज में आ जाते हैं तो डोमिनेट जो नेचर है डोमिनेट करने वाला वो शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना है अपनी उस डॉग कोशिश करेगा अपनी बात बनाने के लिए लेकिन आपको अपनी बात पे अड़े रहना है। अब इनका केस देखो तो इनका ये था कि वो बिज़ी ज़्यादा रहते हैं ज़्यादातर इन्होंने टाइम अपने डॉग को दिया नहीं है और डॉग क्या हो रहा है डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि वो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के चक्कर में डॉग की बात मान लेते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो अपने हिसाब से कर लो आप तो वो डॉग क्या होता है फिर वैसे हैबिट पड़ी चली जाती है जो 3 महीने के इसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे वही चीज़ अब आगे चल के बढ़ गई है और ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए आप पूरी जो वीडियोस है वो एंड तक देखिएगा स्मार्ट एक्सप्लेन की और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे किसी भी चैनल पे आपको कुछ भी अपडेट मिलता रहेगा जो आपके काम की जरूर देखिएगा थैंक यू और बिहाइंड द सीन की पूरी वीडियो जो आपको देखनी है तो वो डिवाइन शो करके चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो और उसे लाइक भी करना उस पर भी वाली वीडियो आएगी और उस पर थोड़ा कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को ये स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग पे तो आप बने रहो और उस पर भी आप बने रहो ये क्या बोलते हैं स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग पे तो आप बने रहो लेकिन आपको उस वाले चैनल पे भी अपडेट मिलते रहेंगे तो वहाँ भी आप जाके सब्सक्राइब कर लो।